स्ट्रेस कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर ओवर प्रेशर कर रहे हैं, परसेंटेज चाहिए, स्टडी कर, पागल बन कर, देख बाजू वाले के लड़के को 88 पसंद आया, देख उसको 90 पसंद आया, देख तो बच्चे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, हमको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, हमको ओवर फीस देनी पड़ेगी, तेरी वजह से मेरा नाम होगा। जस्ट फॉर सेल्फ, नेम ऑफ सेल्फ, ये समाज में लोग बोल रहे हैं उनका लड़का ही था, उनका लड़का था। वी आर क्रिस्टलाइजिंग आवर चाइल्ड टू एक्सट्रीमिटीज और इस हद तक हम उसको दबा डालते हैं कि एंड रिजल्ट क्या होता है, वेरी होता है फैमिली में होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप जाओ तो फिजिकल डेथ हर फैमिली में नहीं होता होगा, लेकिन मेंटल डेथ ऑलमोस्ट हर फैमिली में, क्योंकि कुछ बच्चे फिजिकली देर नहीं करते, लेकिन आपसे इतना निगेटिव हो जाते हैं, उसके मेंटल पे इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि वो अपने फादर के बारे में, अपने मदर के बारे में विलेविश कैरेक्टर पर दिमाग रहा है कि मेरे फादर मदर, बिकॉज यू आर डूइंग फॉर देयर बेस्ट, ऐसा नहीं आप उनके अच्छे के लिए नहीं करें, लेकिन आप अपने नॉलेज के साथ, क्योंकि आपका नॉलेज लिमिटेड है। आपका नॉलेज क्या है जो आपने समाज में सिखाया, आपका नॉलेज क्या है जो आपके पेरेंट्स ने सिखाया, आपका नॉलेज क्या है जो आपने स्कूलों में सिखाया, आपका नॉलेज लिमिटेड है। तो अपने नॉलेज, क्योंकि आपने देखा उसने भी ऐसे किया था, उसने भी ऐसे किया था, उसने भी ऐसे किया था, तो आपका नॉलेज लिमिटेड है, और आप अपने नॉलेज से वही नॉलेज को बेस्ट ऑफ यूज करने के चक्कर में इनको सप्रेस कर रहा है। कभी आपने अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश नहीं की कि इसके अलावा भी कुछ वर्ल्ड है, इसके अलावा भी हम बच्चों को बहुत कुछ दे सकते हैं जो अपने आप को बना सकता है, हमारे नाम को और कोई तरीके से ऊंचा कर सकता है, अन्ना के समाज के में एक अलग अचीवमेंट दे सकता है। हम लोग उस एंगल से सोचाएंगे, हमारा एंगल सोचने का एकदम कंस्ट्रेंट है, और कंस्ट्रेंट एंगल में इतना प्रेशर बढ़ाते हैं कि हमको पता नहीं चलता कि हमारे बच्चे फिजिकली तो आपके साथ रहते हैं लेकिन मेंटली आपके साथ रहते हैं। और जितना अभी आप देखो बच्चों के अंदर जो आज की तारीख में एग्रेशन है, एंगर है, जेलसी है, हेट्रेड है, ये सब 10वीं क्लास के बच्चे के पास, 12वीं के पास, और जब वो मैरिज के एज पर पहुंच जाता है, एवरी फैमिली, मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, एवरी सिंगल फैमिली में और एंड रिजल्ट जो हमको चाहिए हैप्पीनेस, वो बचता ही। आप उसको पढ़ाते हो खुश होने के लिए, उसका हायर परसेंटेज लाते हो खुश होने के लिए, उसकी जिंदगी बनाते हो क्या खुश होने के लिए, उसको ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश करते हो खुश होने के लिए, और एंड में क्या होता है खुशी मिलती है। यू स्ट्रगल विद योर लाइफ, यू स्ट्रगल विद योर चिल्ड्रन, यू स्ट्रगल विद योर पेरेंट्स एंड एंड रिजल्ट इज दिस। और ये चीज़ों को हमने साइंटिफिकली समझा, मैं खुद हाईली एजुकेटेड हूँ, लेकिन मेरा खुद का नजरिया है, और नजरिया जो मैंने बदला, जो मैंने भी तो नहीं सीखा होगा, इधर आई थॉट व्हाई नॉट शेयर विद पीपल, एटलीस्ट एक ही एक को समझ में आ गया तो एक दस को समझाए, और वो ट्रेंड को हम रोक पाएंगे जो फट टू फट प्रैक्टिस का ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ दो ही तरह के लोग होते हैं जिंदगी में, एक जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, दूसरा जो सक्सेसफुल होता है। दो ही तरह के लोग, मैं अपने डॉक्टरों को बोलता हूँ दो ही तरह के डॉक्टर होते हैं, एक जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है, दूसरा जिसकी प्रैक्टिस चलती है। आप अपने क्लास में जाओ, अपने ही पास में जाओ, और आप ही देखो आपकी क्लास में कोई भी लड़का 40% मार रहा है, और आप अपने आप को देखो या अपने क्लास में एक एवरेज लड़का देखो जो कभी पास नहीं होता था या आत्म होता, लेकिन आज अगर आप पीछे मुड़ के देखो तो मोस्ट सक्सेसफुल आदमी हो वो गोल्ड मेडलिस्ट या वो आत्म होता है। आप सोचे तो मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एजुकेशन इज अ वेरी गुड पार्ट फॉर मी, बट इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल। It is very good thing to give a support and stand in the society, but it is not enough to be a smile on the face of whole society. Education, all अच्छी चीजें लेकिन इसको सिर्फ एक बैग फोन के रूप यूज करो, 100% उसके अंदर इतना घुसे इनकी लाइफ को सफर तुम्हारे आपके साथ आगे घंटे जो डिस्कस करूंगा एब्सोल्युटली लाइफ में उन चीजों पे जो नेचुरलिटी से मैं एक कॉन्सेप्ट को तोड़ने के लिए आया हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को ब्रेक करने के लिए मैं आया हूँ। क्योंकि मैं अगर आपको नॉलेज दूंगा
ये नॉलेज आपके दिमाग में पहली बार आया, क्योंकि ये नॉलेज आपने किसी को दिया नहीं। आज सुनोगे तो नॉलेज आएगा, ये नॉलेज आएगा तो आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाएगा। द मोमेंट योर वे ऑफ थिंकिंग इज चेंज, बिलीव मी यू आर द पर्सन हु विल चेंज सोसाइटी। Naturally, if you start implementing, it will help to your family, and if you really are interested, you will change the society. You will see that you will start making kind of things. The paisa hi endurance nahi hai, paisa to chalke aata hai, ek cheez aata hai. Main aapko bolta hu ki Lakshmi showbiz mein the, unhi ke saath rehti hai, jo acha kaam karti hai, aur unhi ke piche bhagti hai. Main aapko live example deta hu. हमारा उद्देश्य पैसा कभी नहीं था, आज हमारा पैसा है। माइथोलॉजी में अगर आपने देखा होगा तो लक्ष्मी किसी के साथ 24 घंटे रहती है, पिक्चरों में देखा होगा, फोटोज में देखा होगा, किसके साथ 24 घंटे लक्ष्मी वहाँ पैसा किसी के साथ दिखाया जाता है, नारायण विष्णु और उन्हीं के पीछे चलती है। और मैं ऐसा बोलता हूँ विष्णु के कैरेक्टर खाली आप स्टडी करो और अपने से डालो, अपने बच्चे के डालो, लक्ष्मी 24 घंटे पीछे थे, 24 घंटे पीछे। विष्णु का कैरेक्टर क्या था? प्यार बांटना, ज्ञान बांटना, एजुकेशन ज्ञान बांटना, शांति बांटना, पीस बांटना, नॉलेज, चार चीज़ें उनकी स्पेशलिटी है। शांति बांटना, नॉलेज बांटना, लव बांटना, आप देखो ना। और वो कैरेक्टर जिनके कोई पास है, आप जाके पूरे समाज में ढूंढ लो वो कैरेक्टर जिसके पास है, वो रिचेस्ट है। या ऐसा बोल दो जो रिसेप्शन के वाले कैरेक्टर रहते हैं बाई डिफॉल्ट, तो अपने बच्चे के अंदर वो कैरेक्टर्स डालो, वो एथिक्स डालो, वो नेचुरलिटी डालो, जो उसको समाज के अंदर एक फ्लरिश्ड पर्सनैलिटी बनाए। क्योंकि दीज आर द पीपल हु आर ऑन गॉड, भगवान है उन्होंने, ये बच्चे नहीं हम सब। हमारा जीन्स किसका है? गोत्र का था, अपने गोत्र होता है, हरे का गोत्र होता ना, तो गोत्र कहाँ से शुरू हुआ? किसी ऋषि मुनि के नाम पे शुरू हुआ है, गौतम बुद्ध बोलो या भारद्वाज बुद्ध बोलो, एक्स वाई जेड किसी ऋषि मुनि के नाम पे शुरू हुआ। ऋषि मुनि कहाँ से आए थे? जेनेटिकली गॉड से आए थे, जेनेटिकली। मतलब हमारे अंदर जीन्स किसका? भगवान के। लेकिन हमने जो बिलीव किया कि भगवान बच्चों को क्या भगवान, आप एक साल का, एक महीने का, दो महीने का, चार महीने का बच्चा, एक साल का बच्चा, हम उसको बोलते हैं भगवान, क्योंकि उसके इमेंस पावर है, उसके अंदर इमेंस पोटेंशियलिटी रहती है और वो पोटेंशियलिटी की वजह से उसको बढ़ते हैं। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो गॉड का पिक्चर भी खत्म हो जाता है ना, और फिर वो गॉड से शैतान है। लेकिन शैतान बनाता कौन है उनको? हम बनाते हैं, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट बनाता है। क्योंकि साइंस भी कहता है कि 80% वी आर बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, 20% बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। 80% अगर आपका बच्चा अच्छे इन्वायरमेंट में है तो टॉप पे बच्चा, आपका बच्चा स्लम इन्वायरमेंट में, आपके वो स्लम वाले क्यों डेवलप किए पाते हैं, रिचेस्ट लोग क्यों नहीं होते, गरीब लोग क्यों गरीब होते, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है 80% उसको इम्पैक्ट करता है। तो स्कूल का इन्वायरमेंट हो, बिल्डिंग का इन्वायरमेंट हो, सोसाइटी का इन्वायरमेंट हो, या आपका फैमिली का इन्वायरमेंट हो, जहाँ 24 घंटे रहता हो तो कोई इन्वायरमेंट है। अभी देखो अगर बच्चा कोई स्कूल में किसी अच्छे बच्चों के बीच में आ जाए तो गधा भी रहेगा, पढ़ता नहीं रहेगा तो पढ़ेगा, बिकॉज इन्वायरमेंट। अगर वही इंटेलिजेंट बच्चा है ना, हमेशा 90% के ऊपर हमेशा आने वाला बंदा 11th में जाने के बाद उसका सर्कल एक एवरेज लोगों के साथ हो जाए तो आप इम्पैक्ट नहीं तो उसका क्या होगा? 80% इन्वायरमेंट। सो वी आर गॉड बट वी आर इवन हैविंग ऑल गॉड क्वालिटीज एंड पावर वी डोंट बिलीव इट एंड वी डोंट वॉन्ट टू बिलीव इट एंड देन वी बिकम सेल्फ। तो मैं आज आपको एक्सप्लोर करने गया, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान है तो अपने आप को भगवान मानो और अंदर की क्वालिटीज को निकालो। आप अपने आप को भगवान मानो, बच्चे को मानते हो तो उसकी क्वालिटी को समझो, उसके पास बॉर्न और बॉर्डर जो क्वालिटी है उसको तो खराब मानो। इन्वायरमेंट सबसे पहला माँ बाप ना, पहले 7 साल तक बच्चों का मैक्सिमम इन्वायरमेंट भगवान है, हमसे पेरेंट्स है, क्योंकि वो टाइम बच्चों का हार्डेस्ट खाली रहता, उसमें जो हम डिपॉजिट करते हैं वही उसकी जिंदगी हो। तो भगवान का क्यों बोलता हूँ कि आप देखो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देखिए बताऊंगा, तो संत ज्ञानेश्वर को भगवान माना जाए, सिंधु वाले साई बाबा को भगवान माना जाए,
लक्ष्मण के भगवान माना है, जैन गुरुओं के भी भगवान माना है, महावीर के भगवान माना है, क्या इनके भजन तो भी वो एक बंदा भगवान मतलब सारी प्रजा भगवान है, लेकिन एक ने अपनी पोटेंशियलिटी को मेंटेन रखा, अपनी पोटेंशियलिटी को समझा तो भगवान भगवान राम के लिए प्रजा नहीं थी, राम राज्य होते तो प्रजा थी, तो भगवान राम ही क्यों भगवान बने? कृष्णा के टाइम पे मथुरा में और प्रजा थी नहीं, द्वारका में प्रजा थी, फिर भगवान कृष्ण ही क्यों भगवान? क्योंकि ये भगवान जो हमने बनाए हैं चमत्कार को नमस्कार करके अपने पोटेंशियलिटी को संभाल के रखा, अपने पोटेंशियलिटी को एक्सप्लोर किया, आज हम उनकी चीज से आज हम अपने बच्चों को भगवान बोलते हैं, लेकिन इनकी पोटेंशियलिटी को सप्रेस कर रहा, हमें सप्रेस कर इनके पास तो ऑन एंड बॉटम हमारे पास ऑन एंड बॉटम, तभी तो आज भी संसार में जैन मुनि होते हैं, आज भी संसार में बौद्धा होते हैं, आज भी संसार में ऐसे संत महात्मा जो भगवान होते हैं, आज भी उन्हीं की पार्टनर ना। तो अगर आज मैं आपको पोटेंशियलिटी को बताऊं और आप समझ पाओ तो बस इतना ही करना है कि इनके अंदर के पोटेंशियलिटी को हमको ही संभालना है, उसको हमको ही संभालना है, उसको अगर आप ओरिजिनल रूप में रहें तो सिर्फ ओरिजिनल रूप में इतना ही करो कि सिर्फ उसको ओरिजिनल रूप में रहें दो तो आपको इनकी पीछे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, खुद पढ़ेंगे कि खुद आपके साथ आपका भी नाम करेंगे और समाज का भी नाम करेंगे। मैं आज आपके साथ कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर हूँ, मैं आपको कुछ शेयर करने की और भी करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन्वायरमेंट ने मुझे भी बनाया है, इन्वायरमेंट ने मेरे सालों साल लोगों को बनाया है, और ये मेरा PhD का सब्जेक्ट है, और PhD में मेरा सिर्फ रिसर्च इसी में चल रहा है, और ये रिसर्च का ही रिजल्ट है कि हमने ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? कि हम चाह रहे हैं कि भले 25 आए, भले 15 आए, भले 10 आए, उस 10 में से अगर एक भी ज्ञान लेके चलेगी आपको, अब नॉलेज को लेके चलेगी आपको, कम से कम और 10 को बदलेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन समाज में एक बदलाव होगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पोटेंशियलिटी कितनी है हमारे लोगों में, जो हम चार महीने का बच्चा हो या चार साल का बच्चा हो या तीन साल का बच्चा हो, उसको क्या मालूम
लेकिन उसके सेंसेस चालू है, सेंसेस आंख कान नाक मुंह अपने जो रिसेप्टिव सेंसेस है वो तो चालू है उसकी, और वो जब चालू रहते हैं और यहाँ पैर डरते रहते हैं, मान लो वाइफ ने खाने को बुरा और हस्बैंड ने खाया और हस्बैंड ने रिटेन भी होता है तो समझ पाएगा कितना मेहनत से पैसा आता, पसीना बहा के पैसा आता, हार्ड वर्क करके पैसे आता, ऐसे थोड़ी झड़ने लगता है। एक कॉमन डायलॉग है लड़के, ये जब आपके डाला जाते हैं तो इसके दिमाग में डिपॉजिट हो रहा है, इसके दिमाग में डिपॉजिट मतलब आपके हर एक्टिविटी, आपके हर छोटे इरिटेशन, आपके हर छोटे झगड़े, आपके हर छोटी तंगियां, हर छोटी चीजें इसके दिमाग में डिपॉजिट होती है, इसके दिमाग में बैठ जाता है कि पैसा मेहनत के सिवाय नहीं आता, पैसे के लिए मेहनत ही करना पड़ता, 24 घंटे मेहनत करना पड़ता, दिन रात भागना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता। ये बच्चा जब 7 साल का होके सेकेंड फेज पे अपने लाइफ में जाता है 7 से 14 साल तक, तो वहाँ वो स्कूलों में भी यही चीज सीख, 7 से 14 टाइम पे वो स्कूल 10वीं तक 10th तक 1 to 10th तक इन चीजों का कन्फर्मेशन थियोरेटिकली होता है। हमारे सारे बुक्स आप उठा के देखो ये चीजों को बार बार दिखाते हैं, अब 10th के सिलेबस में इन चीजों को प्री कन्फर्मेशन देती है, होते बच्चे ने हार्ड डिस्क पर सुना है रिसेप्शन के थ्रू, फिर उसने थियोरेटिकली कन्फर्म किया है, पेरेंट्स से कन्फर्म किया है, अपने पीस बच्चों से मेरा घड़ी रिक्शा ड्राइवर मेरा घड़ी कितना मेहनत करता है, बच्चे आपस में बात करते हैं, मेरी मम्मी तो मम्मी भी काम पे जाती है, डैडी भी काम पे जाते हैं, वो इतना करते हैं, मतलब वो क्या करता है अपने पीस से सीखता है, अपने स्कूल टीचर से सीखता है, अपने सिलेबस में सीखता है, और फिर 14 साल के बाद थर्ड फेज उसका चल होता है 14 से 21 साल, 7-7 साल का फेज होता है, साइंटिफिक बता रहा हूँ आपको, 14 से 21 साल तक वो लाइवली देखे कन्फर्म करते हैं कि मैंने जो बचपन में सीखा है वो सच है, तो देख रहा है कोई हाथ गाड़ी चला के लेके जा रहा है पैसा कमा रहा है, कोई पूरी को देखता है पैसे कमा रहा है, कोई हार्ड वर्क करने वाला दिखता है, रोड पे भागते हुए लोगों को देखता है, ट्रेन पे भागते हुए, क्योंकि वो बाहर गया है एनवायरमेंट में, तो उन चीजों को कंफर्म कर लेता है और वो जड़ बन जाती है, और 21 साल के बाद उसकी मान्यता हो जाती है, उसके दिमाग में मान्यता बैठ जाती है कि बिगर मेहनत का पैसा, बिगर हार्ड वर्क का पैसा, बिगर पसीना बाय पैसा, और वो मान्यताओं को लेके वो पूरी जिंदगी जीता है, जब तक तो उसकी मान्यता है तोड़ने वाला नहीं उसको मिले नहीं, और वही मान्यता के साथ उसकी लाइफ निकल जाती है, एवरेज लोगों की लाइफ मान्यता ऐसी बनती है, मान्यता कैसे बनती है, आप सोच रहे मान्यता कि बिल्ली रास्ता काट गई तो काम अच्छा नहीं होगा, मान्यता कैसे बने, तभी तो कोई देश बोली हुई होगी ना, पैराडाइम कौन बनाता है, लेकिन 35 साल का वही बच्चा पानी में भीग गया।
जिसने इसके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं पानी में भीगूंगा तो सर्दी हो जाएगी, वही बंदा समुद्र में नहाएगा तो सर्दी नहीं होगी। आप समझ रहे हो? आप जितना समझ रहे कि माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया पैराडाइम। तो 0 से 7 साल का एग्जाम्पल फिर से देता हूँ कि अगर आपने घर में बच्चा 1 महीने का है, 4 महीने का है, 6 महीने का है, 1 साल का है, बोलता नहीं, बोलने की कोशिश करता, आपके घर में अगर गायत्री मंत्र चालू है ऑडियो में, या आपके घर में हनुमान चालीसा चालू है, या आपके घर में गीता पाठ चालू है, एक्स वाई जेड जो भी चालू, आप देखो जब बोलने लगता है ना तो वो पूरे पूरे श्लोक इतने कंफर्टेबल बोल जाता है कि आप अमेजिंग, आप होते ना आश्चर्य की तरह, आपने सीखा है नहीं और आप एक्साइटेड हो जाते हो, लेकिन आपको पता है कि आपने सीखा है नहीं, उसने सीखा है इनडायरेक्टली। और हमारे आज की जनरेश में क्या करते हैं कि माएँ 2 महीने का बच्चा भी बोलते हैं या 8 महीने का बच्चा भी बोलते हैं तो एकदम खतरनाक एक तरह की सीरियल देती रहती, पूरे इंग्लिश सीरियल देती है, मतलब पूरा कन्वर्ट सीरियल देती है, और बच्चा तो सेंसेस से दे रहा है, तो जेलेसी, हैट्रेड और सारी चीज़ें वो अडॉप्ट कर रहा है, उसकी हार्ट की तो चीज़ें बढ़ रही है, लोगों के अंदर नरम झगड़े लगाना और ये करना वो सब, मतलब कंटिन्यूसली आप अपने बच्चे को देख के आ रहे हो, आप अपने बच्चों को पहले से उसके हार्टेस में करप्ट कर रहे हो, उसका हार्टेस उसी चीज से कर रहे हो, 7 साल बाद उस चीजों को स्कूल में अपने पीर के साथ करेगा, अपने फ्रेंड के साथ करेगा, अपने टीचर के साथ करेगा, वो उधर जाके पॉलिटिक्स करेगा, वहां जाके उन चीजों को कंफर्म करेगा, 21 साल के बाद उसकी जिंदगी वही हो जाए। मैं तो लोगों को बोलता हूँ नहीं अच्छा लगे तो भी डिस्कवरी लगा करो, क्योंकि उसको टेस्ट आ जाएगा डिस्कवरी का, उसको टेस्ट आ जाएगा एनिमल पैरेंट का, वो जब बढ़ेगा तो उसका उसका टेस्ट रहेगा, उसकी प्रोग्रामिंग मिलेगी, क्योंकि पैराडाइम को तोड़ना बहुत जरूरी है। हमने जो पैराडाइम डाल के रखा है बच्चों के दिमाग में, एक ऐसा मान्यताएं डाल के रखी है, वो मान्यताओं को अगर आप तोड़ोगे, क्योंकि मान्यता अगर मैं आपकी नहीं तोड़ो तो आप इनकी नहीं तोड़ पाओ, एक मान्यता होगा क्लासेस के सिवा परसेंटेज, ये भी एक मान्यता है, क्योंकि आज सालों साल से आपने देखा है आपके बच्चों में भी आपको क्लासेस में डाला गया, आप बड़े हुए तभी आपने दुनिया को देखा क्लासेस में डाला, और आज तक आपने क्लासेस के कॉन्सेप्ट को उस तरह से बना के रखा है कि क्लासेस के सिवा बच्चे को परसेंटेज नहीं मिलता, और ये मान्यता बन गई है। तो आप क्या करते हो, 1 लाख रुपए उधार ही लोगे, 1.5 लाख उधार ही लोगे, 2 लाख रुपए नहीं रहेगा तो कुछ भी जेबर बेचो, लेकिन बच्चे को क्लासेस में जरूर डालो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के उसके ढंग में मान्यता है ना, पैराडाइम है ना, क्लासेस उस जमाने में क्लासेस बंद जब भी लोग रिलेट होकर बना हुआ था, लेकिन आपने वो कॉन्सेप्ट को डाल दिया और उसकी नेचुरलिटी को आपने सब दस करा, उसके नेचर को आप फिर आप क्लासेस डाल के क्लासेस क्या करके डालते हो, कितना बड़ा बोर्ड क्लासेस का नाम बड़ा बड़ा, कितने फोटो रहते हैं, 90% अगर कितने लोगों ने 90% पर तुम्हारे क्लासेस लगाया, मतलब कितने 9 या 10, तो आपके 10th के क्लासेस में बच्चे कितने, कम से कम 200-300 बराबर, बड़ा क्लास में होता 500 बराबर, 300-400-500 में से सिर्फ वो 10 सबने उनकी फीस दी है, सबने 1 लाख रुपये फीस दी, सबको वही एनवायरमेंट मिला है, सबका वही टीचर है, सबका वही प्रोफेसर है, सबकी चीजें वही है, तो फिर वो 9 के फोटो क्यों, कभी क्वेश्चन पूछा है वो 9 के फोटो क्यों, 90% 500 माना चाहिए, 300 माना चाहिए, क्योंकि 9 जो है ना उनकी वजह से 90% उसके घर में जाके खाली एनवायरमेंट की स्टडी कर दिया, वो क्लासेस में नहीं बिठा देना तो भी 90 के बढ़ रहे। ऐसे मैं आपको कई आप जाके देखो ना, आपको पता तो चलता ना, अरे तो क्लासेस भी नहीं गया, अरे वो बेचारा घर में उसके अंदर लाइन ही नहीं थी, लाइन में पढ़ता था लेकिन 90% तो क्लास में नहीं गया, तो वो क्यों 90 लाए, आप समझ रहे हैं, मान्यता मान्यता प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग मान्यता पे का जीत का तो बस ये पूछ।
ने बाकायदा रिसर्च किया, साइंटिस्ट ने क्या किया था रिसर्च में, एक पांच मंकी के ग्रुप को एक केज में रखा और उसने एक बनाना दूंगा, ये पांच बंदर रखा उसने और एक बनाना को ऊपर रखा, ताकि वो मान्यता कैसे बनती है उसको स्टडी कर रहा था साइंटिस्ट। और बनाने के लिए वो बंदर को बोला जाके, फिर एक बंदर ऊपर गया, जब ये बंदर ऊपर गया तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एकदम चिल्ड कोल्ड वाटर इन लोगों को पड़ा, तो इनको क्या लगा कि ये ऊपर गया इसलिए हमको पनिशमेंट मिली। आप समझ रहे हो, एकदम ठंडा पानी डाला, तो जब अगली बार दूसरा बंदर ऊपर जाने लग गया, जैसे ही चढ़ने लग गया, बाकी जो थे ना उनको मालूम फिर पानी गिरने वाला है, फिर हमारी हालत हो जाएगी, उन्होंने इसको पकड़ के मारना चलो, कि तू ऊपर जाएगा तो पनिशमेंट हमको मिलेगी, ठंडा पानी हमारे ऊपर गिरेगा तो इसको मारना चलो, कि तू ऊपर मत जा, तू ऊपर नहीं जाएगा तो हम बच जाएंगे। फिर वो आगे दूसरा बंदर गया, फिर उसको मारना चालू किया, फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बंदर को रिप्लेस कर दिया, एक नया बंदर को जिसको दुनियादारी मालूम है, तो चार पुराने एक नया, लेकिन जैसे ही दूसरा चढ़ने गया सबने मिलकर मारना चालू किया, जो बाहर से आया उसको तो मालूम नहीं, उसने भी मारना चालू किया, उसको समझ आया क्यों मार रहे, पहले वाले को समझ में आता कि तो ठंडा पानी डाल रहा, लेकिन नए वाले को तो कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन बाकी की मार रहे इसलिए वो भी मारना चालू किया। ऐसे ही करके एक एक करके साइंटिस्ट ने सारे बंदरों को रिप्लेस करना चालू किया, नए बंदर आए पुराना मारना चालू किया, तो जितने बंदर थे जब उसने पांच के पांचों को रिप्लेस कर दिया तो पुराने पांच को निकाल दिया, लेकिन पुराने पांच के साथ क्या था कि एक बंदर केला लेने गया तो चार का ठंडा पानी मिला, इनको तो ठंडा पानी नहीं है ना, लेकिन इन्होंने पुराने से सीखा था कि कोई भी ऊपर चढ़ेगा तो मारना चालू, ये सब तो नहीं ना, लेकिन पैराडाइज क्या हुआ, और फिर इनमें से कोई भी चढ़ने गया तो बाकी चार उसको मारना चालू, क्यों मार रहे कैसे मार रहे कुछ पता नहीं, लेकिन एक मान्यता बन गई। आप समझ रहे हो ना, तो ऐसी जो मान्यता बनती है फिर धीरे धीरे आप खुद सोचो, व्हाट इट इज इट इज व्हाट इज इट इफ इट वाज पॉसिबल टू आस्क द मंकी कि तुमने क्यों मारा, तो शायद उन्होंने कुछ आंसर दे देते, सभी बोलते आई डोंट नो, दैट्स हाउ थिंग्स आर डन अराउंड हियर। अगर आप कुछ भी चीजें पूछो, ये दही खा के जाने से परसेंटेज मिलेगा, आप उससे क्वेश्चन पूछो क्यों दही खिला दो आंसर दे दो, काली बिल्ली रास्ता काटने से खराब होने वाला है ये आपने उसको पूछा, अब उसको पूछो ऐसा किसने बोला था तो आपको आंसर मिलेगा क्या। अब सुनिए, आपको लगता है जितनी मान्यता बनी क्लासेस में डालने से हायर परसेंटेज आएगा, अगर आप पूछो तो आपको ही मैं पूछूंगी क्लासेस में डालने से ही 99% आएगा, आप आंसर दे पाओगे क्यों, ऐसा चल रहा है, ऐसे पुराने जमाने चल रहा है, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, दुनिया कर रही है इसलिए मैं कर रहा हूँ, रीजन किसी को पता है, और रीजन जब पता नहीं है तो भी तो जब मैं यही बोलता हूँ कि ऐसा जब अपॉर्चुनिटी मिले जब आपको मालूम पड़े कि ये सब मान्यताओं से होता है तो अभी भी आप समझ जाओ, क्योंकि आइंस्टाइन ने बोला है कि दो ही चीज दुनिया में इनफाइनाइट है, एक तो इनवर्स या ह्यूमन की स्टूपिडिटी, और आइंस्टाइन ने ये बोला कि इनवर्स का मुझे पता नहीं लेकिन ह्यूमन स्टूपिड है ये कन्फर्म, मतलब इंसान स्टूपिड है ये तो कन्फर्म है। तो फ्रेंड्स, मान्यताओं को तोड़ने के लिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ टू शो यू हाउ दिस मान्यता क्रिएट्स अ प्रॉब्लम टू द तो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ कि मान्यताओं का समझ लेते हैं, हम लोग जो भी करते हैं ये पैराडाइम बना के रखते हैं, हमको पता नहीं हम क्या करते हैं, बस एक पैराडाइम है और पैराडाइम के चक्कर में अपने बच्चों को सर्विस करते हैं, और अगर आप अपने आप से पूछो तो बच्चों की खुशियाँ उसके हैप्पीनेस आने वाली जनरेशन की बर्बादी के जवाबदार हम खुद 100%। तो मेरे दोस्तों में आप लोग को ये सब चीज़ें क्यों बता रहा बैकग्राउंड में कि जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो और इसको प्रैक्टिकली इट विल चेंज योर लाइफ लाइक दिस, आपकी जिंदगी में खुशियाँ कब और कैसे आ गई आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दो ही चीज़ रहती है, अगर या तो अपने बेटे को गोल्ड मेडलिस्ट बनाओ या उसको सक्सेसफुल आ जाओ, चॉइस आती है, गोल्ड मेडलिस्ट होकर अब करोड़पति बनेगा नहीं लेकिन करोड़पति के नीचे नौकरी जरूर है, और वो भी आपकी जैसे जिंदगी में स्ट्रगल करते रहेगा, महीने के आखिरी में पैसे के लिए तरसते रहेगा और उसके घर में भी झगड़े चलते रहेंगे, क्योंकि जब पैसे की तंगी आती तो सारी हैप्पीनेस उसकी ठीक रही, यहाँ भले ही उसके कार्ड में लिखी उसके परसेंटेज दिखा रहे 10 के अंदर 99% आया
आपकी भी डिग्री लिखी है तो परसेंटेज दिखा रहे, मैंने भी एमडी लिखा होगा तो आगे परसेंटेज दिखा रहे, मैं तो 35% दिखा था कि 99% था। आप सर मेरा तो या आप जिंदगी में जिसको भी देखो तो सक्सेसफुल बोलोगे कहाँ से, बिकॉज सक्सेसफुल मैं आपको दिखा पाऊँ कि ना और तो हमारा बस बहुत है नेक्स्ट दिखाओ। अब देखो ये बच्चे के बारे में हम लोग बच्चे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बच्चे भगवान को कई श्रेणी में आपको इसलिए बता रहा हूँ तो दूर हटा रहा हूँ सब आपको पता है, इसलिए बताने जा रहा हूँ कि उन चीज़ों को आप आज से अभी से सजोना चाहते हो संभालना चाहते हो, भले बच्चे बड़े हो गए हो उनकी मान्यताओं को छोड़ो और एक पोटेंशियलिटी को अंदर वापस इंस्टॉल करो, उसको उसका अनुभव करा और आप भले बड़े हो गए हो लेकिन आपके पास भी ये सारी शक्तियाँ हैं इनको यूज करना है कि आप और हम सब भगवान की देन है वही जीन्स है और ये सब हमारे पास पैदाइशी पैदाइशी। चलो मैं एक एक करके बताता हूँ, कुछ एक एग्जाम्पल होगा बाकी आप समझ। एक महीने का बच्चा रहता है, एक महीना डेढ़ महीना छोटा बच्चा सब के घर में हो गए, उसको भूख लगती तो क्या करता हूँ चिल्लाता रोता नहीं कभी रोता नहीं क्या तो चीखता है, और वहाँ अगर वो बेडरूम में हो या किचन में हो भाग के आती है, मतलब बच्चे के अंदर उस वक्त जब ताकत नहीं थी तभी भी डिमांड करने की कैपेसिटी डिमांड करने की क्वालिटी थी कि नहीं, चाहिए मतलब चाहिए और फिर वो आपका ईगो काम में आता आप भाग के आते थे उसी, वही बच्चा जब तक बड़ा होता है एक साल का हो डेढ़ साल का हो दो साल का हो आपके वो जब तक होगा तब तक देखो डिमांड उसकी रहती है। एक आधा दिनों ना उसने अगर आगे देख दिया मैं तो बोलता हूँ बारहवीं ट्वेल्थवीं देख के हटाया जाता है और आपकी ताकत ही नहीं है आप देखते हो क्या होता है, अनुभव गया एक दिन नहीं दो दिन नहीं तीन दिन नहीं चार दिन नहीं पांच दिन नहीं एक हफ्ते नहीं दो दो हफ्ते तक उसका डिमांड रहता चाहिए मतलब चाहिए, वो हिलता नहीं अपने डिमांड से चाहिए मतलब चाहिए खत्म। और क्या होता है एक दो हफ्ते बाद आप कहीं से भी पैसे लाते कुछ भी करते अपने मन को मान लो लेकिन उसकी चीज ला के देते अनुभव किया एक साल दो साल के बच्चे का अनुभव आप लोग अनुभव डिमांड चाहिए लेकिन आज बड़े होने के बाद किसी चीज की डिमांड रहती ये कभी डिमांड करते हैं 90% चाहिए तो उसको 90% आता वो डिमांड रहता चाहिए ये डिमांड करते हैं जरूर आप करोगे वो डिमांड वो नेचुरलिटी है उसको उनके पैर पे सजोया है उस क्वालिटी को दबने नहीं दिया है तब जाके वो डिमांड बना हुआ है। अब फिर ये पहला इसी क्वालिटी हम भी डिमांड नहीं करते हम भी किसी चीज के लिए टिक के रहने का चाहिए हम भी आज एग्जाम्पल देता हूँ किसी को कुछ चाहिए रहेगा तो आप डिमांड करोगे नहीं मिलेगा तो आप छोड़ दो हिम्मत आ जाता है जान लेकिन अगर आप उससे अड़ गए होगे मेरे को 1,00,000 रुपये एक महीने में चाहिए कैसे आएगा क्या है चाहिए और जिद चाहिए तो जिद रहेगी तो नहीं आएगी तो दुनिया में हर चीज पॉसिबल है अगर आप डिमांड करोगे। फिर कभी बच्चे को उंगली पकड़ा दे रहा है 2 महीने 3 महीने का 3 महीने का आपकी उंगली पकड़ता है पकड़ने लग जाता 3-4 महीने का बच्चा आप उंगली खींचते हो उसकी ताकत कितनी है लेकिन उसके ताकत के साथ आपको ताकत का फील होता ही आप फील करते हैं इतना जबरदस्त व्यक्ति रहता है पकड़ के रखने नहीं सोचता पैदा इसी थी ना देखनी पैदा आज की तरह आज तो आप 6 महीने में धंधा बंदी कर देते हो हर एक साल में नौकरी बंदी होते चिटक के रहने आते ही होंगे बचपन में सीखा था और फिर वो स्ट्रगल करते थे तो बचपन की क्वालिटीज है बच्चा रेंग का है आपने देखा चलने लगता है रेंगना तो छोड़ दो चलने लगता है चलने लगता तो कितनी बार गिरता है मल्टीपल टाइम्स लेकिन उस टाइम पे भी वो अपनी हिम्मत आता है वो टेबल पकड़ने चढ़ने लग गया तो वहां टेबल हटा दे गिर जाएगा तो दीवार पकड़ लेगा वो खाट पकड़ के चढ़ेगा कुछ भी पकड़ के चढ़ेगा लेकिन चढ़ता है कि 50 बार भी गिरेगा लेकिन चलने लग गया तो जब वो भागता है तो आप उसके पीछे भागते आप समझे मैं समझा रहा हूँ और आज हम लोग एक बार फेल हो गए 2 बार फेल हो गए तीसरी बार फेल हो गए चौथी बार क्या करते कंटिन्यूटी नहीं है बच्चा एक बार कुछ नहीं लाया दूसरी बार कुछ नहीं लाया जस्ट टेकिंग रेंगने लगता है बच्चा देखो रेंगने लगता
देखना ना, और ऐसे टाइप पे जब बच्चा रेल के लग जाए तो उसके सामने एक सांप आ जाए, कॉकरोच आ जाए, छिपकली आ जाए तो पकड़ कर, और आ जाए होगा अभी कॉकरोच फिट तो अब डिफरेंस होने लगे। देखा है मतलब दे आर एक्चुअल के प्लान रहता है ना, भगवान रहते हैं प्लान रहता है, डर के दिमाग में कौन डालता है पैरेंट्स, अंधेरा है भूत है भूत है, तो अभी खाना नहीं खाएगा तो भूत आ जाएगा, उसका हार्ट डिस्क हम लोग भर रहे हैं, ये लोग साथ साथ हम लोग हार्ट डिस्क भर रहे हैं। बच्चा को दो चार महीने का, छह महीने का, एक साल का आपके बाजू में सो रहा है, दो साल का सो रहा है, पर आप वहां से जा रहे हैं, उसको तो कुछ मालूम नहीं, वो तो ब्लाइंड है, लेकिन आप वहां से जा रहे हैं और अचानक छिपकली आ जाए या ऊपर से गिर जाए या कॉकरोच आ जाए, तो आप कितने जोर से चीखते हो, और बच्चा एक साल का जो बोलता है वो आपको चीखते हुए सुनता है, उसका हार्ट डिस्क क्या होता है, ये खतरनाक जानवर, वो कॉकरोच खतरनाक जानवर, क्योंकि मेरी मम्मी भी उससे डरती है, वो एक साल के बच्चे को क्या मैसेज जा रहा है, डेढ़ साल के मैसेज क्या जा रहा है, दो साल के मैसेज क्या जा रहा है, तो जब बड़ा होगा तो उसके दिमाग में क्या है, ये डेंजरस जानवर है, उसके सामने अगर आपने कॉकरोच उठा के फेंक दिया तो उसके दिमाग में कभी कॉकरोच का डर नहीं, वो देखा ना अरे कुछ नहीं है, मेरी मम्मी भी फेंक सकती है, आप समझ रहे हो, मैं जीरो से सेवन ईयर्स की बात कर रहा हूँ, वो रेंगने वाला बंदा, वो चलने वाला लड़का, लर्निंग कैपेबिलिटी, हम लोग बड़े हो जाते तो सीखना नहीं चाहते, बच्चों के तो लर्निंग कैपेबिलिटी, क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी उनके हाथ में खिलौने दे दो डिस्मेंटल कर देगा, रीइन्वेंट कर देगा, उनके हाथ में मोबाइल दे दो क्या तो कुछ भी दे दो, आज तीन चार साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो आपको फीचर्स नहीं मालूम उसको फीचर्स मालूम, सी उनके लर्निंग कैपेबिलिटी है, दे वांट टू लर्न, दे वांट टू एक्सप्लोर द थिंग्स, दे वांट टू क्रिएट द थिंग्स, और हम लोग उसको किताबी कीड़ा बना देते हैं, स्कूल में जाते थे किताबी कीड़ा, धीरे धीरे उसकी प्रोग्रामिंग करते रहे कि उसके पूरे माइंड की पार्ट कर रहा एक पोटेंशियलिटी की स्मैश कर डालते हैं, आपके साथ वही हुआ आपके बच्चों के साथ वही हुआ, मतलब वो नेचुरलिटी को सप्रेस कर रहा था। नेक्स्ट डर माँ की चीज इनके नाम में नहीं देती, डरते क्या बच्चे को देखा डरते, ऊंचाई में लेके जाओ, पानी में लेके जाओ, स्लाइड्स में लेके जाओ, एडवेंचर्स करते हो, अरे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कभी आप दो तीन चार छः महीने आठ महीने के बच्चों को हवा में उड़ा के देखो उसका एक्सप्रेशन से एक्शन है ना, और अगर आपको हवा में वो उड़ाए तो नीचे वाले को तो माँ में कर रहा हूँ, डर नहीं रहता उसका, फेथ रहता है कि बिल्कुल जिसने हवा में देखा है मेरे को बचाएगा, आज आपको अपने सगे भाई पे भरोसा है, आज आपको अपने दोस्त पे भरोसा है, आज आपको अपने बॉस पे भरोसा है, आपको समाज पे भरोसा है, अरे फेथ ही नहीं कोई जिंदगी क्या, अभी इसको सिखा दो ये चीज आप इनको सिखा दो, आप सोचो ना रिस्क बेयर कर सकते हैं एडवेंचर्स, आज वो रिस्क लेते नहीं, बिगर रिस्क का धंधा है, छोटा रिस्क छोटा पैसा, बड़ा रिस्क बड़ा पैसा, सीधी सी बात, लेकिन हम लोग तो रिस्क ही नहीं लेते, सेफ साढ़े सात थे दहा रुपये है कि वहाँ दहा के साथ आए से रिस्क नहीं लेने का, दस बजे से सात बजे नौकरी करना तो नौकरी करना तो रिस्क लेके उसको भी रिस्क लेना नहीं सिखाता, और खुद भी क्योंकि तुम रिस्क लोगे तो वो सीखेगा तो सही, और उसमें क्या होता है कि तुम्हारी जिंदगी को देख के बदलता है, बाद में आप बड़े होते हो सोचते हो बड़ा होता है आप सोचते हो ये भी नालायक है तो बनाया नहीं सकते, इन्वायरमेंट किसने दिया उसको, तो 80% तो हमारा अपना है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते नहीं, क्लासेस में 1 लाख रुपये डाल दिया मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चा स्कूल में जाए बड़ा हो आप देखो उसका एक्सप्रेशन, पीजी में है उसको टीचर ने पूछा पहले गाना कौन गाएगा, सब हाथ उठा, मैं आपको बोलो स्टेज पे आके बात करेगा, यहाँ वही बच्चे उसको आप समझ रहे ना, वही बच्चे एक्सप्रेशन, घर में जब आते थे और माँ पूछती थी ट्विंकल ट्विंकल तो आपको कैसे बताती थी बच्चे, पूरा डांस करके पूरा एक्सप्रेशन है, और मैं आपको नाचने को आप घर में करोगे नहीं, धीरे धीरे उसको मालूम पड़ता है मम्मी नहीं नाचती तो नाचना करा दीजिए, तो बड़ी हुई की 5 साल की आप देखती हो कि आप कोई भी अपने पैशन को पूरा नहीं करते, आपको गाने का शौक है आप गाना नहीं गाते, आपको डांस करने का शौक है आप
नहीं करते, आप जो नहीं करते बच्ची का सोचते माँ नहीं करते डैडी नहीं करते मतलब गलत चीज है, सही नहीं। एक्सप्रेशन आपने अपने शौक को दबाया क्योंकि आपके पेरेंट ने उसके शौक को दबाया, उसके पेरेंट ने उसके शौक को दबाया, पैराडाइम पैराडाइम वो पैराडाइम आपने कंटिन्यू किया, पैराडाइम को जब तक नहीं तोड़ोगे बच्चों को नहीं बना पाओगे। नेक्स्ट स्माइल, आज की तारीख में बताओ मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ रिलेशनशिप इज स्माइल। आप नौकरी कर रहे हो तो धंधा कर रहे हो तो सोसाइटी के हो तो बिगर मुस्कुराहट को The most successful people in this world are smiling. आप डॉक्टर को जाके देखो, सबसे अच्छी प्रैक्टिस जिसकी चलती रहेगी वो स्माइलिंग है। और खड़ोस रहेगा तो लिमिटेड प्रैक्टिस है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो आप स्माइल इज अ टूल ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन हम लोग कितने यूज करते हैं? हार्डली वी यूज इट, हार्डली वी यूज इट। और बच्चे भी वही देख रहे हैं, उनको लगता है स्माइल करना आपने भी सीखा, बच्चे भी सीखते हैं। तो पीपल स्टॉप स्माइल, दे डोंट स्माइल। अगर दे डोंट स्माइल रिलेशनशिप हो गई। दो साल का बच्चा जब भी ट्रेन में जाता है बस में जाता है, आप देखो सामने स्ट्रेंजर बैठा हुआ है, पहचान वाला तो नहीं था, सबसे पहले स्माइल को देखा उसने बच्चे इतना। और रिवर्स क्या आता है, दो मिनट के अंदर फ्रेंड बन जाता है, दो मिनट के अंदर दोस्त बन जाता है। आज धंधे में अपना क्लाइंट अपना कस्टमर स्ट्रेंजर नहीं होता, आप समझ रहे हो, उसको स्माइल नहीं दोगे तो तुमसे जुड़ेगा कभी नहीं। लेकिन आज अगर आपको तो आदत डाल होती है दूर रहते आदत नहीं मसल्स फेल कर रहे हैं। लेकिन तुम स्माइल करो तो तुम्हारा जनरेशन स्माइल और स्माइल इज द साइन ऑफ हैप्पीनेस, स्माइल इज द साइन ऑफ हैप्पीनेस। आपको तो पता ही है कार क्यों खरीदते हैं लोग खुश होने के लिए, लाइट क्यों खरीदते हैं लोग खुश होने के लिए, अच्छे कपड़े क्यों खरीदते हैं खुश होने के लिए। जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक पूरी जिंदगी हम कुछ भी काम करते हैं तो क्यों करते हैं, वो तो रेडीमेड अवेलेबल है। स्माइल करना चाहोगे तो 24 घंटे खुश हो। दूसरा स्माइल को इम्पोर्टेंट है बच्चों को सिखाना, क्योंकि आप बच्चों को डंडे लेके मारो चल पढ़ाई कर और बच्चा डिप्रेशन में जाके पढ़ाई करेगा तो आपको लगता है पढ़ाई करता है, वो बुक खोल के अपनी दुनिया में रहता है एक घंटे तक क्योंकि माँ बाप ने छड़ी लेके बोला जाके पढ़ाई करता है। इसलिए ना लेकिन उसको खुश करके पढ़ने को मतलब स्माइली रूप में पढ़ने को मतलब, वो अगर एक पेज भी पढ़ता ना पूरा 100% करता। आप खुद ही देखो खुश हो गए कोई भी काम करो और उदास हो गए कोई भी काम करो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आप समझे तो स्माइल। नेक्स्ट मिट्टी का स्ट्रेंजर, वही बच्चा दो साल में स्ट्रेंजर के सामने है, स्ट्रेंजर के सामने है सामना स्ट्रेंजर ना उसकी गोद में तुरंत कूद जा रहा है, इमीडिएटली जरूरत है और दो मिनट में दे भी हो बॉडी टू बॉडी टच, आप समझ रहे बॉडी टू बॉडी टच और दो मिनट के अंदर दे भी हो मेरी ग्रोथ पोजिशन। आज मैं लोग बताओ कितने लोग हाथ नहीं लाते, मैं लोगों को बोलता हूँ बच्चों की क्वालिटी है बॉस। आप फॉरनर को देखो वो अगर आपको मिलेगा हाथ मिलाए और स्माइल से रखते हम लोग पहले तो पैर में छूते थे प्रैक्टिस बॉडी टू बॉडी टच होता, अब तो वो भी नहीं रहे आप समझे ना। लेकिन मैं आपको लाइव भी बता, आप अपने घर में देखो दो साल का है आप घर में आते हो दो मिनट दिन आते हो तो मैक्सिमम टाइम बॉडी टू बॉडी टच होता तो आप कितने नजदीक रहते हो बच्चों को, आपको घर पर आने की इच्छा होती है बच्चा भी वेट करते हो आप घर में आओ, जब 5 साल का होता है आप घर में आओ चिपक जाएगा, जब 8 साल का होता है घर में आओ चिपक जाएगा, जब 12 साल का होता है तो आप कंटिन्यूस आपका घर में आने का इच्छा होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। लेकिन वही बच्चा जब 18 साल का हो जाए आपके बॉडी टू बॉडी टच कितने, आप तो कंधे पे भी हाथ नहीं रखते, 22 साल का हो जाए 25 साल का हो जाए और फिर आपके रिलेशन और पहले आपके रिलेशन, आप समझ रहे हो डिफरेंस। लेकिन जब बॉडी टू बॉडी टच रहता है तो बच्चों के अंदर क्वालिटीज हमारे अंदर भी, हम भी आज धंधा करते ना तो आनंद से यू आर इन टच, मैं तो बोलता हूँ अपने क्लाइंट को धंधे में हाथ रखो, यू टेक अ अपॉर्चुनिटी टू शेक हैंड, वो धंधे में उनको कभी लॉस नहीं होगा क्योंकि वो कस्टमर को जिंदगी में छोड़ देते हैं, बिकॉज वी बोथ आर एनर्जी सोर्स एंड वी आर ट्रांसफरिंग एनर्जी। लेकिन हम लोग हाथ ही नहीं मिला कभी सक्सेसफुल नहीं होते।
परसिस्टेंसी बच्चों में बहुत स्ट्रांग है। मैं बताया ना एग्जाम्पल दिया ना, बस पकड़ के रहूंगा, मतलब कोई काम कर रहा है ना लगन से करता। आप देखे थे बच्चे 2 घंटे वो खाना खाने के लिए चिल्ला उसको, तो उसको लेके वो खेल भी रहा है ना, तो इतने लगन से खेलता है कि आप उसको डिस्टर्ब भी और डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास उसको लेके बड़े होते तक करप्ट कर दिया माइंड ने, फोकस बच्चों को देखो फोकस कितना रहता। आज हम लोग किसी चीज को फोकस कर पाते, मैं एक क्वालिटी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने गलती या काम किया। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब हमारे पास बॉन्ड एंड बॉट ऑफ या बॉन्ड बीच पर आप सब, लेकिन उन चीज़ों पर भूल डाला है। मैं आपको बताऊँगा कि आज अगर आप समझ जाओ घर पर जाओ और उन भूल को साफ कर देंगे, आपको ज़्यादा रोटी का लड़की इंस्टॉल है उसको जब साफ करो, तो कोई भी उम्र का लड़का हो, 20 साल का लड़का हो या 22 साल का लड़का हो या 25 साल का लड़का हो, सबके लिए सेम लागू है। और आप खुद के भी भूल को साफ करो, ये बात समझ जाओ तो खुद के भूल को साफ करो, लाइफ में ठीक है। सो ब्यूटीफुल नेक्स्ट लव अफेक्शन, बच्चे को मेड सर्वेंट और मम्मी में फर्क समझता है क्या? 2 साल के बच्चे को 3 साल के बच्चे को वो नौकरा नहीं है या माँ है कुछ फर्क समझता है? दोनों के साथ एक जैसा रहता है, लेकिन डिफरेंस लाता है वो नौकरानी बन जाएगा तो खींच के लाओगे आप, मतलब उसके हार्डेस्ट में लाते हो कि ये इन ह्यूमन है मैं ह्यूमन हूँ, ये अनटचेबल है, ये गंदी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये उसके दिमाग में बैरियर बोल रहा है। हम लोग जब आप निकल जाते हो तो डिपॉजिट नहीं किया, कल वो अपने ही माँ बाप से सास ससुर से बच्चा उठा जाता है तो भी आपके डाल चल पढ़ेगा काम लगा पड़ जाता है, तू ये कर आप सर ना बच्चा साथ साथ है ना, क्या तुमको जाने की जरूरत है, उसको आराम कर देगा, उसके डिपॉजिट कर रहे हो। और बाद में जब बड़े हो जाते हो तो ये चीज आपके साथ होती है, जब जब आप साथ साथ मतलब डिफरेंस क्रिएट कौन करता है, इनको चीजों को सिखाना पड़ता है, इनके प्रोग्रामिंग को करता है, मतलब माँ बाप के बारे में क्या सोचते हैं, बच्चों को माँ बाप के बारे में सोचना भी हम लोग ही सिखाते हैं। मैं तुम्हें फिर दिखाता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी मिली थी अश्विनी रखती है, किया
वो क्या है और मैंने 21 बार उसको बताया कि वो पक्षी है। हर बार जब मैंने उसको बताया पक्षी है तो मैंने उसको हक किया, किस किया उसको, बोला पक्षी है।